Well, SDF President and former Chief Minister Pawan Chamling has made a blazing attack on the ruling SKM party, terming it to be a total failure in addressing issues of the state. Speaking exclusively to Northeast Live, Chamling said the PS Tamang-led SKM government has totally failed to deliver the reservation for the Limbu Tamang community. तो आपको लगता है कि इस सरकार के कार्यकाल में लिम्बू तमंग का सीट होगा? नहीं होगा, ये सरकार टोटली फेल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कहती है कि ये सरकार फेल है। सरकार के ऊपर से जनता की भरोसा उड़ गई है, अभी जनता इसको विश्वास नहीं करते हैं। और ये सरकार तो अभी सिर्फ नाम का कठपुतली सरकार है ये। Well, further taking a dig at the SKM, Chamling dared the government to reopen the political murder cases rather than blaming the SDF. क्योंकि वर्तमान सरकार जब विपक्ष में थी तो उसने हमेशा आरोप लगाते थे कि जितना हत्याएं हुई हैं, हिंसा हुई है, सब SDF गवर्नमेंट ने किया है, तो ऐसा उसने कहा था। इसलिए वो अभी सरकार में साढ़े तीन साल हुआ उस सरकार में आई हुई, अभी तक उसने उस हत्या के ऊपर एक भी मुद्दा के ऊपर उसने काम नहीं किया है, केस रीओपन नहीं किया है। इसलिए मैंने उसको अपील किया कि अगर आपने इतना ज़्यादा विपक्ष में थे तो आरोप लगाए थे, तो अब सरकार में है तो उसके ऊपर आपको कार्रवाई करना चाहिए। हत्या हिंसा हुई है तो उसके ऊपर छानबीन करना चाहिए, केस को रीओपन करना चाहिए। Meanwhile, in a big statement, Chamling alleged that Sikkim Governor Ganga Prasad is only a mute spectator, even as the state has been witnessing several organized crimes. अभी तक उसने ये तो सब देख रहे हैं कि सिक्किम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में पुलिस और SKM पार्टी का गुंडे लोग जो है, जितना भी यूथ के नाम में, CLC के नाम में जो है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। जब भी कोई भी जनता अपने दुख तकलीफ बताने के लिए, FIR करने के लिए कहीं भी थाने में चले जाते हैं, कोर्ट में कहीं भी चले जाते हैं और ऑफिस में चले जाते हैं, तो वहाँ पर सभी गुंडे लोग इकट्ठा होकर जाते हैं और पुलिस उस गुंडे को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आज आप सबको पता है कि सिक्किम में अभी गुंडे, चोर, बदमाश लोग जितना है वो सब जुडिशरी जितना है वो सब बाहर है, खुला है, घूम रहे हैं, उसको SKM पार्टी खादा माला कर घुमा रहे हैं हीरो बना के, और जितना भी विक्टिम लोग हैं उसको ये आज जुडिशरी कस्टडी में डाल रहे हैं। ये सबसे बड़ी तकलीफ की बात है, सिक्किम लॉ ऑर्डर टोटली कम्प्लीटली फेल हुआ है। इतना सिक्किम में अपराध हो रही हैं, जनता बहुत अभी दुख में है, तकलीफ में है। यहाँ के जितना सड़कें हैं और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है सब खराब हैं। आज जनता बहुत आतंकित है, इस सरकार से डर और आतंक सरकारी मचा रही हैं। तो ये सब ये गवर्नर साहब है, हमारे राज्यपाल और नज़रअंदाज करके वो बैठे हुए हैं वहाँ पर, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर का वो तो सरकार की कस्टडियन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो कस्टडियन है, उसको देखना है, उसको प्रयोग करना चाहिए। इस सरकार को सरकार के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। ये इलीगली इस सरकार को स्थापित की गई हैं, ये अभी इस सरकार को प्रोटेक्ट करने के लिए ये गवर्नर काम कर रहे हैं। इसलिए ये सिर्फ सिक्किम और सिक्किमी जनता के विरुद्ध में ही नहीं, ये तो संविधान के खिलाफ में ये काम है।